मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही प्रदेश की राजनीति में नेताओं को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता तीखे और कटाक्ष भरे बयान दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष दामोदर प्रसाद यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यादव बीजेपी नेताओं को मुर्गा और मच्छर बता रहे हैं। सिंधिया पे क्या बोलते हैं, सिंधिया को तो हम चाइना मुर्गा बना देते हैं, चिंता क्यों करते हो? क्या सिंधिया, सिंधिया गया, सिंधिया कोई सिंधिया बचा नहीं है। तो आज से 3 महीने पहले दामोदर प्रसाद यादव वायरल वीडियो में कहते दिखाई दे रहे हैं कि सिंधिया को हमने महाराज बना दिया, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी, अब इसके लिए बीजेपी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने सिंधिया को भाई साहब बना दिया। यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने सिंधिया को मुर्गा बना दिया। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक होने के कारण कांग्रेस नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। सिंधिया को लेकर कांग्रेस नेताओं की नाराज़गी आज भी मंच पर दिखाई देती है।